तू तो ऐसे कह रहा है जैसे पहली बार सुन रहा है। हाँ? पहली बार ही सुन रहा है, आई थिंक लग तो ऐसे ही रहा। हेलो। कहाँ गया भाई? अच्छा पार्टिसिपेंट नाम की कोई चीज़ है यहाँ पे कि नहीं है? निशा अपना ऑडियो ऑन कर दे बेटा, वीडियो ऑन कर दे। जो है दिस इज एसिड बेसिस, और आपका एमसीक्यू फॉर्मेट कैसे आता है वो मैं आपको बताने वाला हूं उसमें, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। यहां पे हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द गिवन इज करेक्ट? इनकरेक्ट, बताइएगा। लुक एट योर स्क्रीन एंड टेल मी, इनमें से कौन सा गलत है? एसिड टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, या नन ऑफ दीज? हाँ, आपको मैं टाइम दे रहा हूं कितना, 10 सेकंड का। यू हैव 10 सेकंड ड्यूरेशन, बताइए। हाँ? बी, लुक एट यू, द राइट आंसर इज ए। बताता हूं विच वन ऑफ द गिवन, इसमें से जो स्टेटमेंट दे रखी है हमें उनमें से गलत कौन सी, ये बताना था। तो एसिड टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, एसिड कभी भी रेड को ब्लू में नहीं कन्वर्ट करते, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, रेड और ब्लू। तो रेड सिर्फ बेस कन्वर्ट करते हैं रेड में, उसमें ब्लू में, लेकिन जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? तो ये गलत स्टेटमेंट है ना, बाकी सारी सही है। एक्वस सॉल्यूशन एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, करेक्ट है। एसिड जो है रिएक्ट विद द सर्टेन मेटल्स, ये भी सही है, ठीक है। नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं आएगी कंडीशन। तो इसमें से जो इनकरेक्ट की कंडीशन है वो क्या है कि रेड जो एसिड्स होते हैं वो कभी भी रेड पेपर को ब्लू में नहीं कन्वर्ट करते, वो क्या करते हैं? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। अब यही तो है, कंसेप्ट के बिना नहीं हो सकते हैं क्वेश्चंस, ध्यान रखना। इसके बाद आप मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम अगले सवाल पे आ जाए, ये देखिए यहाँ पे नेचर जो है एसिड बेस और न्यूट्रल तीन होते हैं, तो इंडिकेटर जो है लिटमस होते हैं, आपके पास रेड लिटमस होता है, ब्लू लिटमस होता है, उनके बेसिस पे हम इनको रेड ब्लू या न्यूट्रलिटी में डिफाइन कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, इसमें ये पूछ रहे हैं आपके कि मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड फॉर्म डैश। सो यू गॉट 10 सेकंड, थिंक अबाउट इट एंड टेल मी योर आंसर। मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, मेटल के ज्यादातर जो ऑक्साइड होते हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसे मेटल ऑक्साइड कहते हैं। तो व्हेन रिएक्ट विद एसिड, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा? वो बेस बनाते हैं, एक एसिड बनाते हैं, एक सॉल्ट होता है, या फिर ईदर ए और बी, कौन सा ऑप्शन सही है? मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड, पहला सवाल तो यही है कि क्या मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं? प्रॉपर्टी है ये सारी की सारी किसकी? एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी। तो मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्शन करते तो क्या करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? वो बेस बनाते हैं, एक एसिड बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, या ए और बी दोनों? सॉल्ट बनाते हैं। तो चलो ठीक है,
देखते हैं हमारा जो आप लोगों ने जो डिसाइड किया वो आंसर कितना सही है। बिल्कुल ठीक है आपका, सॉल्ट बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यू नो दैट कि जब एक मेटल जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, मेटालिक ऑक्साइड भी बेसिक होता है, एसिड के साथ रिएक्शन करके वो सॉल्ट बनाएगा प्लस में वाटर बनाएगा, अगर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। लुक एट योर क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच वन ऑफ द गिवन इज फॉर्मड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें से कौन सा आपको कंपाउंड दिखता है जो बनना चाहिए? कब? अगर आप क्या कर रहे हो, व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला जानते हो NaSCO3, दैट इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। उसको जब आप रिएक्ट करते हो किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो पहला सवाल तो ये कि क्या सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है? अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टी पता है तो आपको पता होना चाहिए करता है, करता है। तो अब देखिए क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब आप इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, रिएक्शन याद करो, वाटर प्रोड्यूस होता है। आई थिंक ये सारी चीजें होती है। देखो अभी मैं रिएक्शन दिखाता हूं, इसका आंसर डी है बेटा। ये देखिए, ये है NaSCO3, ये हाइड्रोक्लोराइड H2O जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये बन रहा है आपके पास, समझ में आ गई बात? तो ये सारे के सारे इसमें फॉर्म होते हैं केमिकल रिएक्शन में। अब वही तो है, सीधी केमिकल रिएक्शन नहीं आती, चीज जो घुमा के पूछ रहे हो क्वेश्चंस को, आपको सारी चीजें दे दी, बस तुम्हें अक्ल होनी चाहिए कि ऐसा होता है या नहीं होता है, समझे? और ये सारी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की हुई है, अगर आपको ध्यान है जिन्होंने क्लास ली होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच ऑफ द गिवन इज यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड क्या होता है? जब आप कई बार बहुत ज्यादा ऑयली फूड खा लेते हो, तो ऑयली फूड खाने के बाद कई बार ऐसा देखने को होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एसिडिटी हो जाती है, गैस बनना जिसको आप कहते हो आम भाषा में। उस गैस को कम करने के लिए आप क्या लेते हो? इनो लेते हो, इसबगोल लेते हो, इस तरीके की चीजें लेते हो, तो उसको एंटासिड कहते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो एंटासिड की तरह यूज किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, या ऑल ऑफ दीज है? अगर जिनको ये पता है कि अगर मैं ये पूछूं कि गिव टू एग्जांपल ऑफ एंटासिड, जिनको वो नाम पता है वो यहाँ पे भी आंसर ढूंढ सकते हैं, यहाँ तो लिखे हुए। अब देख, ये मतलब खुद को परख लो भी कि इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूजन, ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन इसमें जो है, चाहे वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम, ये सबके सब जो है वो एंटासिड यानी कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछा जाता है कि इनमें से कोई एक पूछो, तो वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब देख लो, यहां से तुम्हें पता लग जाएगा कि जो तुम्हारे सेक्शन ए है जो 32 मार्क्स का है वो तुम अटेम्प्ट कर पाओगे या नहीं। और अभी आप लोगों ने जो एग्जाम हुए थे उसमें आपने ये साबित किया है कि आपकी हालत अभी सुधारने की जरूरत है। क्वेश्चन 5 देखिए, इन विच वन ऑफ द गिवन रिएक्शन अ सॉल्ट इज रिएक्टिंग विद अ बेस। इनमें से किस रिएक्शन के साथ जो सॉल्ट है वो एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है? सवाल ये है कि क्या सॉल्ट बेस के साथ रिएक्ट करते हैं? बहुत कम करते हैं, इसीलिए हमें ये दे रखी है इक्वेशन। तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन आपको ऐसी लगती है जिसमें एक सॉल्ट एक बेस के साथ रिएक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सॉल्ट क्या होता है? जब मेटल और एसिड के बीच में रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है, आपको पता है, ठीक है। और बेस क्या होता है? बेस की भी आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें OHI, वो क्या होता है? बेस होता है। बेस दो टाइप के बताए थे मैंने, सिंपल बेस और जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कलीज कहते हैं। तो यहां पे सवाल है कि इनमें से, इन विच वन ऑफ द गिवन रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन है, अ सॉल्ट इज रिएक्टिंग विद ए बेस, एक सॉल्ट जो है वो एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, इनमें से किसके साथ? यू फाइंड इट लाइक दैट, NaOH प्लस में HCl क्या बना रहा है आपको? NaCl प्लस H2O। या फिर अब देखो, NaOH क्या है? बेस है, और HCl क्या है? लेकिन सवाल में तो ये कहा कि इसमें से कौन सी रिएक्शन है जो सॉल्ट और बेस के बीच में, तो पहले वाली तो गलत है, कर दो डिस्कार्ड। अब दूसरे पे आ जाते हैं, CuOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड।
एंड H2SO4 के साथ ट्रीट कर रही है। अब यहां पे देखो क्या ये CuS जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये तो हमारे पास बेस है ठीक है, लेकिन H2SO4 क्या ये सॉल्ट है? H2SO4 किसका फॉर्मूला होता है? ये है तुम्हारी सिचुएशन, ये है दया की स्थिति में जिसमें तुम डूबे बैठे हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, तो H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता तो क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, नहीं टच कर सकते तुम। ये भी गलत है क्योंकि यहां पे भी एसिड का नाम आ गया, हमें ढूंढना है जहां पे एस क्या है सॉल्ट और बेस है। अब देखो KOH क्या है? बेस है। HCl के साथ ट्रीट कर रहा है, HCl फिर से एसिड आ गया, ये भी गलत है। अब हमारे पास आखिरी का बच्चा NH4OH जिसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये Al2SO4 होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट होता है आपका सॉल्ट, तो यहां पे बेस भी और सॉल्ट भी है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये वही डिसाइड कर सकता है जिसको ऊपर के तीन का ये बताओ कि वो गलत क्यों है। एक तो होता है जय माता दी लगा दो, एक होता है यहां से, तो यहां से ऐसे होता है देखना पड़ता है कि गलत क्यों है। तो जो गलत है वो आप डिस्कार्ड इसलिए करोगे क्योंकि आपको पता है कि वो रॉन्ग है, और सही वाला अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। Which one of the following is formed when calcium hydroxide react with carbon dioxide? Which one of the following is formed? इनमें से कौन सा बनता है जब calcium hydroxide जो है वो carbon dioxide के साथ क्या करता है? Reaction करता है। Calcium hydroxide का formula क्या होता है? CaOH। और carbon dioxide का formula होता है CO2। तो अगर reaction होती है तो क्या होगा? क्या चीज बनेगी? Hydrogen gas बनेगी, water बनेगा, salt बनेगा, या दोनों B and C बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड असल में जो है एसिडिक नेचर की होती है और ये बेस होता है, तो आपको पता है कि सॉल्ट एंड वाटर दोनों बनने चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अभी मैं बता रहा हूं ना आंसर, तुम कहाँ बताए, बट तुम्हें मेरा काम है तुम्हें एहसास कराना, टू रियलाइज यू कि अगर बेटा तुम्हारा कंसेप्ट अच्छा है तो आपको यहाँ पे आंसर अपने आप आएंगे, क्योंकि रटने वाली चीज है ही नहीं दूर दूर तक, ठीक है। और जो भी इंडिया का बेस्ट होगा ना 10th क्लास के हिसाब से साइंस के लिए, वो मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। तुम्हारा जब एग्जाम होगा तब भी तुम्हें मेरी बड़ी याद आएगी, सर ने सारी बातें बताई थी, हमने ही नहीं मानी। मानोगे तो खुशियां मनाओगे वहां पे, और नहीं मानोगे तो पछताओगे। चॉइस है तुम्हारी, कैसे करना चाहते हो देख लेना। अब देखो यहां पे आ जाते हैं, रेंज ऑफ पीए स्केल इज कहां से कहां तक होती है पीए स्केल? मैंने पूरी की पूरी वीडियोस तुम्हें समझाई थी। हाँ बता बेटा, 0 to 14 होती है, ध्यान देना इस बात पे, 0 to 14 होती है। 0 जो है, 7 क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट होता है। 7 से जब नीचे आएंगे हम 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक, तो वो एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा है, और 7 से जब ऊपर की तरफ जाएंगे 8, 9, 10, up to 14 तक, तो बेसिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता जाता है। समझ में आ गई बात? तो इसका जो आंसर है वो सी होना चाहिए, 0 to 14। देखिए समझे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर तो क्या रिलीज करते हैं? एसिड को जब भी हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हो H3O+ आयन। तो यहां पे जवाब इन्होंने दिया है H+ आयन रिलीज करते हैं, H- आयन रिलीज करते हैं, या H3O+ आयन, या none of these। अब देखो बी ऑप्शन नहीं है क्योंकि नेगेटिव आयन तो होते नहीं, हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन होते हैं, नन हो ही नहीं सकता। अब बचा तुम्हारे पास ए और सी, कौन सा आंसर सही लग रहा है तुम्हें? सी लग रहा है, ठीक है, और सी सही भी है क्योंकि हाइड्रोजन ये H+ और OH में से एक H2 निकलेगा तो H3O+ आयन बनता है, इनको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ओके नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले सवाल पे आते हैं। मिथाइल ऑरेंज कलर इज एसिडिक मीडियम इज डैश। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है ये सारे के सारे क्या है? मिथाइल ऑरेंज क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज हो गया, लिटमस सॉल्यूशन हो गया, लिटमस पेपर्स हो गए, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब हमारे पास इंडिकेटर्स है। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि अगर मिथाइल ऑरेंज है जिसका खुद का कलर ऑरेंजिस टाइप का, ऑरेंज से आइडिया मिल जाएगा, येलो ऐसे ऐसे कलर का होता है, यस, एसिडिक मीडियम में आप डालोगे तो क्या कलर देना चाहिए उसे? हाँ क्या कलर देना चाहिए उसे? उसको देगा ये रेड देगा, एक्चुअली पिंक देता है, तो थोड़ा रेड भी कह सकते हो उसमें, पिंक मेंशन है तो पिंक होना चाहिए था वैसे यहां पे, बट इन्होंने मेंशन किया तो माइट बी। आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम से क्या बनता है? पीओपी बनता है आगे जाके,
तो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? जिप्सम का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, या कैल्शियम सल्फेट ठीक है H2O ये होता है, या फिर कैल्शियम सल्फेट 4 जिसको हम कह सकते हैं 3H2 होता है। तो क्या आएगा इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हाँ बी होगा। तुक्के मार रहे हो ना, साफ तुक्के मार रहे हो। यही होगा क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल जिप्सम मतलब जम गया हो। जब तक वो पाउडर फॉर्म में था तो क्या था वो पीओपी। जब हम पानी डालेंगे पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है? पीओपी का फॉर्मूला ये होता है बेटा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो जैसे ही इसको डेढ़ मॉलिक्यूल वाटर का मिलेगा ये 2 मॉलिक्यूल वाटर हो जाएंगे और तब ये जम जाएगा हार्ड हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड जिप्सम। समझे? नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। सोडा एश केमिकल फॉर्मूला इज डैश। सोडा एश जो है वो किस चीज का केमिकल फॉर्मूला है? सोडा एश NaSCO3 का नाम बताना, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा क्या है? सोडियम कार्बोनेट 9 हाइड्रोजन 9 वाटर है इसमें, सोडियम कार्बोनेट C पे है और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इनमें से कौन सा है फॉर्मूला बच्चों? ये कॉमन नेम है सोडा एच जिसको बोलते हैं, ये है C, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? और ये देख लो, अब तुम्हें दिख रहे हैं ना कि 20 क्वेश्चन में तुम्हें कराने वाला हूं, अपना नोट करते रहना कि तुम्हें कितने क्वेश्चन आते हैं। और अभी तक अगर एवरेज निकाले तो हम क्वेश्चन 11 पे आ गए और तुमने मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर सही सोचे, वो भी तुक्के में। तो यही हाल जब 20 में से 3 नंबर आ रहे तो वहां पे भी 20 में से 3 के ही चांसेस हैं। और ये वो नंबर है जो अक्ल के नंबर है और इसी से बच्चे पास हो सकते हैं अगर आप थोड़ी सी समझ और अक्ल का इस्तेमाल करो तो। इट इज वेरी इजी टू डू दैट। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बेकिंग पाउडर। जो बेकिंग पाउडर होता है खाना पकाने में भी डालते हैं, उसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब उसमें क्या डाला होता है? सोडियम टार्टेट, बेकिंग सोडा और सोडियम टार्टेट, या बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड। अब देखो बेकिंग सोडा तो होता है, ये तो कन्फर्म है, ये मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं। अब बताओ इसमें और क्या होता है साथ? टार्टेरिक एसिड, इमली का रस मिलाते हैं उसमें तो वो क्या बन जाता है? तो इसका आंसर जो है डी होगा। समझे? इसीलिए बोलते बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला वही होता है सोडियम। ये देखो यहां पे बेकिंग सोडे का मतलब क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। समझे? हेमी वेमी नहीं लगाते उसमें, वो केमिकल फॉर्मूला है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू NaCl एक्वस सॉल्यूशन। जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो NaCl सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, नमक के पानी में से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा? सोडियम मेटल इज डिपोजिटेड, या फिर ओनली क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी, या फिर क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस दोनों प्रोड्यूस होगी, या ऑल ऑफ द गिवन जो है वो प्रोड्यूस होंगे। क्या होगा? सारे प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, दो गैसेज रिलीज होगी। हाइड्रोजन जो है कैथोड पे होगी और जो आपकी दूसरी वाली है वो एनोड पे होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे। समझ में आ गई बात? उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे ये बोल रहे आपसे आइडेंटिफाई द एलिमेंट। इट इज ए वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड होता है, देखने में ये सफेद रंग का होता है, ट्रांसलूसेंट मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट, चीनी के दाने की तरह। समझ गए? इट इज रेडीली रिएक्ट विद द वॉटर, बड़ी जल्दी से ये वॉटर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? एल्कलाइन सॉल्यूशन बना लेगा। सी में ये बोल रहे इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन। अब ये बहुत बड़ा हिंट है, ये केरोसिन में स्टोर करते। किसको करते हो बेटा तुम इनमें से केरोसिन में स्टोर? मार खाओगे दिमाग से पैदल इंसान। दो ही तो मेटल है जो सोडियम एंड पोटेशियम, और यार सोडियम दे रखा है, पोटेशियम तो है नहीं, तो कैल्शियम कहां से दिमाग में आ रहा है? हद करते हो बेटा, इट्स रियली मतलब यही तो सिचुएशन है, दिस इज यही तो हालत है। इस चीज को तो कहते हैं कि गरीबी है भाई, बड़ी जबरदस्त ज्ञान की गरीबी है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला पीओपी, अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने। हां क्या? हां हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि जब 2 लग जाएगा तो क्या है? जिप्सम है। तो लॉजिक पता लगने लग गए ना, अब ऐसे ही लगते। समझे? तो यहां पे जो आंसर है दैट इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 पे आ जाओ। ये पूछ रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
फिनोमिना अकर्स व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर. इनमें से कौन सा फिनोमिना यानी कि कौन सी घटना आपको देखने को मिलेगी जब आप क्या करते हो, एक एसिड को आप मिक्स करते हो वाटर के अंदर. याद रखना एसिड में वाटर नहीं, यही तो बोला इन्होंने, एसिड इज मिक्स विद वाटर. एसिड को पानी में डालोगे तो रिएक्शन स्लो होती है, लेकिन अगर आपने क्या किया उल्टा कर दिया, ठीक है, पानी को एसिड में डाला तो रिएक्शन क्या होगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, जल जाओगे, धमाका होगा वहां पे, बिकॉज ये बहुत विग्रस रिएक्शन होती है, हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है. अब ये बोल रहे कि न्यूट्रलाइजेशन डाइल्यूशन या आयनाइजेशन क्या कंडीशन है इसमें से, बताइए मुझे. एसिड को जब हम पानी में, आपको मैंने आपको ऐसे समझो, जब हम दूध में पानी मिलाते हैं तो दूध पतला होता है या गाढ़ा होता है, बस यहां पे समझो इस बात को ध्यान से समझो. हाँ हाँ, डाइल्यूशन नेचुरल सी बात है, एक तो डाइल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बोल रहे कि सिर्फ बी होगा या बी और सी दोनों होंगे या फिर क्या होगा, ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड बी का मतलब ये वाले ए एंड बी है, न्यूट्रलाइजेशन एंड डाइल्यूशन, या फिर ओनली सी वाला करेक्ट है आयनाइजेशन. बेटा बी और सी वाला करेक्ट है, बी सी. अब ये कौन सा है बी और सी, जिसमें सी ऑप्शन, क्योंकि डाइल्यूशन भी होगा और आपको पता है एसिड में पानी डालते तो आयनाइज भी होगा, आयनाइजेशन भी होगा, दोनों प्रोसेस एक साथ होनी चाहिए आपको, ठीक है. राहुल कल, ओ राहुल बाबू सुन रहा है मेरी आवाज? हाँ सर, आगे बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हाँ कर ले, बंद कर ले अब इसको, ताकि दिखाई ना दे तो तू पढ़ रहा है कि नहीं, मैंने बता ही दिया. जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, सीधे सी बात है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वाटर. अभी थोड़ी देर पहले भी रिएक्शन हमने देखी थी, ठीक है. अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में, बताना है मुझे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अगर याद है तो थोड़ी देर पहले हमने एंटा एसिड की बात की थी, उसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं. कौन से वाला है, एमजी, वहां पे नाम थे, यहाँ पे उसके फॉर्मूले है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, या फिर ठीक है आपके पास MgO है या MgOH होल ट्वाइस है या Mg3N3. तो करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, करेक्ट फॉर्मूला सी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस. तो इसका जो आंसर है वो ये, आप देखो यहाँ पे फॉर्मूले को कैसे पूछ रहे, डायरेक्टली नहीं पूछा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखो, उसको बदल दिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के साथ. तो ये अकल पैदा करनी पड़ेगी तब जाके दिमाग जो है वो सही से समझ पाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहे, येलो कलर टर्मरिक टर्न्स इनटू डैश इन अल्कलाइन सॉल्यूशन. येलो कलर का जो टर्मरिक होता है, पीले रंग की जो हल्दी होती है बेटा, वो डैश टर्न्स इनटू डैश अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर, येलो हो जाती है, रेड हो जाती है, पर्पल हो जाती है, ब्लू हो जाती है. बताइएगा मुझे, तुम लोगों ने कभी जूठे बर्तन धोए सब्जी वाले, उसमें हल्दी लगी होती है, जब साबुन लगता है तो कलर कैसा होता है? हाँ जिसने धोए होगा उसको पता है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, रेड हो जाता है आंसर. हाँ तो धोया है ना, अच्छी बात है ना, धोया है मतलब तभी तो अकल है, नहीं धोएगा तो ऐसे ही बैठा रहेगा मूर्ख की तरह यहाँ पे. अब आएगा क्वेश्चन नंबर 20, ह्यूमन ब्लड की पीएच रेंज कितनी होती है, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ द ह्यूमन ब्लड. याद रखना मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं कि वो 7 से नीचे नहीं हो सकती और 8 से ऊपर नहीं हो सकती. अब तो बहुत कुछ मिल गया, बता दो 7 to 7.8 होती है. एक्चुअल में 7 से 7.4 एनसीईआरटी में मेंशन है. तो इसका आंसर 7 to 7.8 यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पे, समझे. नाउ क्वेश्चन नंबर 21 फिर से आ गया मिथाइल ऑरेंज को लेके. अब ये बोल रहे कि मिथाइल ऑरेंज जो है पिंक होता है एसिडिक मीडियम में, येलो होता है बेसिक मीडियम में, येलो होता है एसिडिक मीडियम में, पिंक होता है बेसिक मीडियम में, कलरलेस एसिडिक. अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल के अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन तो है नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो टेबल थी जो आपको लर्न करनी थी. तो बताइए क्या लगता है आपको, हाँ बी होगा इसका. याद रखना मैंने तुम्हें बताया था पिंक वर्ड एसिड में, दूसरे का अपने आप ही सही हो जाता है, समझ में आ गई बात, क्योंकि यहाँ येलो दे दिया तो गलत है, कलरलेस दे दिया भी गलत है. पिंक एसिडिक मीडियम में यहाँ पे ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन बेसिक में ही कलरलेस कभी नहीं होता क्योंकि उसका खुद का कलर ऑरेंज होता है, तो कलरलेस तो होगा नहीं कहीं पे भी.
समझ गए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ, विच आउट ऑफ देम इज नॉट ए इंडिकेटर, इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है? विच आउट ऑफ देम इज नॉट ए इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड या फिर फिनोल्फथालीन? अब ये सारे के सारे इंडिकेटर आप समझ लो कि कितने इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। सारे के सारे इंडिकेटर वाले टॉपिक को बार बार पढ़ो, उनको याद करो, तो आपको याद हो जाएगी कहानी। यहाँ पे यही हिंट दे रहा हूं मैं तुम्हें कि तुम्हें क्या क्या चीजें समझनी है, ठीक है। इनमें से जो है इंडिकेटर नहीं है, मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस सॉल्यूशन भी है, सोडियम क्लोराइड नहीं है क्योंकि ये तो सॉल्ट है, अपने आप अकल आ जाएगी, समझ गए। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 23। ये बोल रहे द हायर द हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था H3O+ आयन, उनको कहते हैं। जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, तो लेसर द पीएच होगी, पीएच लेस होगी, या उसकी पीएच हाई होगी, या पीएच चेंज नहीं होगी। हाँ, पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, कौन सा ऑप्शन सही है? बी है, ये सही आइडिया लगाया आप लोगों ने, बी है ना। पीएच लेस होगी ना, 7 से नीचे नहीं होगी। हायर पीएच का मतलब क्या होता है? 7 से ऊपर 14 तक, और लेस का मतलब क्या? 7 से नीचे बेटा, तो लेसर की कंडीशन जाएगी ना, यहाँ पे एसिडिक नेचर है वो। यही तो दिमाग उल्टा चल जाता है ना समझने में कहानी। तुमने सोचा सही था लेकिन तरीका गलत, वहीं पे गड़बड़। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 24, बस 23 ही है यहाँ पे। तो अब तुम लोगों ने यहाँ पे 23 क्वेश्चन आप सभी ने यहाँ पे ऑब्जर्व किए, एंड आपको एक आइडिया मिल गया कि एग्जाम में कुछ ऐसा ही होगा। किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है सेम भी मिल जाए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो द थिंग इज दैट कि दिस इज, ये जो रिवीजन होगा, इस रिवीजन में मैं तुम्हें तैयार करूंगा एग्जाम के लिए। तो जो भी बच्चे यहां पे आएंगे, ये आज जो आप वहां बैठे हो दूर दराज में, कान खोल के सुन लो, आगे से ये क्लास बेटा जूम पे नहीं होगी। जो बच्चा यहां आएगा उसी को ये क्लास मिलने वाली है, बिकॉज इसको मैं लंबी लूंगा 1-1.5 घंटे की, और हर रोज आपका कम से कम 1 से 2 चैप्टर हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर मेरे साथ कॉपरेट करोगे, मेहनत करोगे, बोलोगे सर आप काम कराओ हम तैयार है, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम लोग 60-70% तो आराम से खींच लोगे साइंस के अंदर, कोई इशू नहीं आएगा। बट वही सुनने से नहीं होगा, जो कहा जाता है। अब जैसे मैंने आज तुम्हें चैप्टर बताया, तो आपको एक चीज क्लियर होगी, क्या क्लियर होगी?